हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस स्टूडियो में मैचों को एलएलजी और एनएनडब्ल्यू का जो कि मैच खेला जाएगा, ये रहेगा फिफ्थ टी20 मैच रहेगा। एंड साथ ही साथ डे ऑफ डे का पहला मैच रहेगा। डेली दो मैचेस खेले जाते हैं एंड ये पहला मैच है। तो इस वीडियो आपको दो टीम से प्लेयर बैटिंग ऑर्डर के साथ देंगे एंड साथ ही साथ इस वीडियो में आपको प्रीव्यू वगैरह भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले छोटा सा नीचे लाइक का बटन जोर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता दो टीम से प्लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे है और ये मैच में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग खेलना, क्योंकि इस मैच से ऐसे प्लेयर्स है जो कि आप ग्रैंड लीग जितवा, जैसे केविन ओब्रेन है ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं, विलियम पोर्टर फेल जो लास्ट में डक पे आउट हो गए, तो ये इनको आप कैप्टन कर सकते हो। वाइस कैप्टन केविन ओब्रेन या फिर कैप्टन केविन ओब्रेन, वाइस कैप्टन विलियम पोर्टर फेल, ये करके आप ग्रैंड लीग अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 10 मिनट तो जोर से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले आप दो टीम से पेंगे, बाकी उससे पहले हम गेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो आपके लिए कोई भी टारगेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि सब मतलब कि यहाँ पे विलियम पोर्टरफील्ड इस मैच कितने रन बनाए, आपको एग्जैक्ट आपको एक ही कमेंट करना है। और हाँ, काफ़ी लोग करते क्या है कि एक ही मतलब एक ही डिवाइस से गूगल अकाउंट चेंज करते हैं उससे कमेंट करते हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से मतलब जो वीडियो होता है उस फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो एटलीस्ट अगर 10 मिनट में अगर वीडियो नहीं देखोगे तो उससे क्या होगा, वीडियो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत से ऐसे करते हैं, जैसे देखो एक डिवाइस है उसे गूगल अकाउंट चेंज किए और उसे बार बार कमेंट किया, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कमेंट, तो मैं ऐसे एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वैसे विनर को बिल्कुल भी पेटीएम कैसे नहीं मिले, आपको एक ही कमेंट करना है एंड उसके साथ पार्टिसिपेट करना है। वीडियो को लाइक करके चाहे सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ये टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा मैच का एंड साथ मैं आपको मतलब इस मैच इसका विनर भी निकाल के वहीं पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल से जोर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। ऑल पे जोर से सेट कर लीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सबसे पहले वीडियो देखोगे, सबसे पहले लाइक कमेंट करोगे, तो आपको मिलेगा फ्री पेटीएम कैश। तो जोर से लाइक कर दे, चाहे सब्सक्राइब भी जोर से कर लेना। तो सबसे पहले बात है दो टीम्स के प्लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो फाइनल टीम होगी इस मैच जो डेडलाइन है 3:30 पर, देखो ध्यान से 3:30 पर डेडलाइन है, यानी 3:15 जो फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँ। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे फाइनल टीम नहीं, इसे आपको कमेंट बॉक्स से पिन मिलेगा, देखो इस तरीके आपको कमेंट बॉक्स देगा, इस तरीके से पिन मिलेगा, इस पर क्लिक करना एंड टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 4000 प्लस सबसे आपको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर 4000 प्लस सबसे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फाइनल टीम टिप्स टॉस रिपोर्ट पिच रिपोर्ट्स वगैरह की मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको मतलब मैं ट्विटर से ला के आपको सबसे पहले दे देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम पे बस एक टीम रहना, वहाँ पर आपको मैं प्लेइंग में दे दूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ और कौन टॉस जीता वो भी आपको दे दूंगा, टॉस रिपोर्ट पिच रिपोर्ट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ फाइनल टीम और टिप्स दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी 4000 प्लस सबसे सबको देखने को मिलेगा। तो आप जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे फाइनल टीम मैं आपको दे दूंगा 15 मिनट पहले विनिंग रैली का, और रैली का जो टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल टीम और टिप्स क्लब सर्च कर ज्वाइन कर सकते हो, @fantasy11team सर्च कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स के लिंक से आ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन और गिवअवे जोर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। प्लीज़ 10 मिनट जोर से इस वीडियो में देना, बहुत अच्छा अमाउंट विन करोगे अगर 10 मिनट पे अभी आप इस वीडियो में देते हो, तो जोर से 10 मिनट दीजिएगा, ठीक है। और फाइनल टीम 15 मिनट आपको मतलब कि 3:15 पर फाइनल टीम दे दूंगा, यानी 15 मिनट पहले, ठीक है। टॉस स्पॉट पिच स्पॉट्स वगैरह टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर, आप ऑलरेडी 4000 प्लस सबसे सबको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सीधे कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाए, मेरी बात मानो, कमेंट बॉक्स को ओपन लिंक करो, 100% काम करता है, लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद ज्वाइन वाला बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे रीडायरेक् ट हो जाओगे टेलीग्राम पे, या फिर सर्च करना हो तो सर्च कर लेना @fantasy11team सर्च करना होगा, तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ ऑलरेडी 4000 प्लस सबको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अब प्लेइंग 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात एलएलजी के प्लेइंग 11 से, तो मैं बता दूं ये टीम की तरफ से केविन ओब्रेन ओपन करिए, लास्ट मैच में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, मतलब कि एक चौका मार के आउट हो गए थे, तो एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में। आप मतलब कि आपकी इस मैच में लिए ट्रंप कार्ड पे, तो जोर से ट्राई करना है केविन ओब्रेन को, यहाँ से आप कैप्टन वाइस, क्योंकि फील्डिंग जबरदस्त करा था, फील्डिंग से मतलब 20 पॉइंट्स दिया था, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा प्लेयर है। सिमी सिंह मतलब टीम से ओपन कर रहा है, कन्फर्मली मतलब कि ओपन कर रहा है एंड साथ ही कन्फर्म 4 ओवर पा रहे थे, अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर अंदर बेलवानी से ओपन के जो ठंडा में आएंगे टीम की तरफ से भरोसेमंद प्लेयर, फिर जियो डॉक्टर आपको फोन तब खेलते रह जाएंगे जो कि टीम कैप्टनसी कर रहे एंड कन्फर्म 4 ओवर ये भी पा रहे हैं, ठीक है। पहले मैच में 3 ओवर पाए थे, उससे पहले लास्ट मैच में 4 ओवर पाए थे। फिर लॉरेन डकर लास्ट मैच में मतलब कि हमने एक चेंज किया था, नील रॉक को हमने लिया था इनकी जगह और काफ़ी अच्छा हमने अमाउंट विन किया एक तरफा, ठीक है। अब इसके बाद बताया कि आपको हमें गेमिंग कैरियर खेलते रहने के जो कि टीम की तरफ से सीधे बैटिंग करिए, फिर टीम टेक्टर लास्ट में जबरदस्त हिटिंग किए थे, मतलब कि इतना अच्छा हिटिंग किया था, एक बॉल पे 3 छक्के लगाए थे, 1 चौके लगाए थे, जबरदस्त प्लेयर टीम टेक्टर, ध्यान रखिएगा एक अच्छा प्लेयर है। फिर बैरी मैकलॉड, मतलब मैंने क्या स्टेट्स दिया था, मैंने जो आपको स्टेट्स दिया था उसमें बोला था बैरी मैकलॉड अच्छा पिक, इस मैच में पिक बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अच्छा पिक है जोस लिटिल आपको इस मैच में पॉइंट्स देकर जाएगा। जैसे मैं आपको बोला था स्टेट्स आपको दिया था कि हाँ, खुद मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड,
तो दोस्तों मैंने स्टेट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था कि देखो ये रहा प्लेयर बैटल, मैंने आपको वीडियो में जो प्रोवाइड किया था वही सेम है। देखो हम पर जोसे लिटल कितनी बार लुकी जोरसन आउट किया है, 3 बार आउट कर चुके थे। एंड मैंने बोला था ये मतलब ये लुकी जोरसन मतलब इसे परेशान जोर से होगा जोसे लिटल से, एंड वही हुआ। एंड मैंने बोला बैडी मैकफ्रूट को ड्रॉप करना मैक्सिमम टीमों में, एंड वो जो था विकेट तो नहीं लिया बट रन कुछ बना गया, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ जो फाइनल टीम वो टेलीग्राम पर देखो टेलीग्राम जो स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तब ध्यान रखना इसके बाद इसका जोसे लिटल जो कि लास्ट में जबरदस्त फॉर्म में थे, एंड मतलब हिटिंग क्या कर रहे थे मतलब उस लेवल का प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से हिटिंग कर रहे थे, हिटिंग जबरदस्त कर रहे थे। एंड साथ से इनके बाद आएंगे 10th नंबर पर जो ना था अग्रेट था जो कि टीम की तरफ से बॉलिंग नहीं पा रहा है, बताइए लास्ट में जो बॉलिंग नहीं पाया था बट स्टिल काफ़ी अच्छा प्लेयर है। फिर से डेविड ऑलर खेलते जो लास्ट में जो 2 विकेट लेकर आ रहे और पिटाई भी जबरदस्त हुई था क्योंकि इन्हीं के बॉल पे मतलब पिटाई किया था यहाँ पे जो हमारे जो कैप्टन था वो काफ़ी मतलब इनका पिटाई किया था क्योंकि ये मैंने 2 विकेट लिए थे तो 54 पॉइंट्स थे और इनका 48 में हो गया था। अब खुद सोचते कितना ज़्यादा पिटाई हुआ होगा इनका। अब बात करें नॉर्थन वेस्ट के प्लेयर तो यहाँ से विलियम पोर्टफेल ओपन करी टीम की तरफ से एक मतलब लास्ट में डक आउट होकर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर है तो ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, काफ़ी अच्छे प्लेयर इनके साथ ओपन करिए। स्टीवन डॉडली के साथ ओपन करिए 3rd नंबर पर। एंथनी मैकेवेन टीम को मतलब बैटिंग करते ना जाएंगे। लास्ट में क्या हुआ था एंथनी मैकेवेन आया था 6th नंबर पर बैटिंग करने, हो सकता है एंथनी मैकेवेन 6th में बैटिंग करिए 3rd नंबर पर, वो आपको टेलीग्राम पर करूँगा क्योंकि डेली टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर बताया कि आपको फाइनल टीम और टिप्स दे दूँगा। तो रोज़ एलिन खेलते रहेंगे, ऑफिस में आपको सैनी गेटिंग खेलते रहेंगे, गेम के लिए आपको लास्ट बॉलिंग पाया था और एक विकेट भी नाम किए, काफ़ी अच्छे प्लेयर तो नहीं कह सकता एक एवरेज प्लेयर है बट एक यंगेस्ट जरूर से, ठीक है। फिर नैथन आपको मैक्यूर खेलते जाएंगे, फिर से विलियम मैक्लिकन सब खेलते जाएंगे, फिर ऐसे गैरी विम ने खेलते जाएंगे, कैरी यंग आप खेलते जाएंगे, ऐसे जेरेड विलियमसन खेलते जाएंगे। तो दोस्तों ये मतलब नॉर्थ वेस्ट का प्लेयर आप देख लीजिए जहाँ से ओपन करेंगे विलियम पोर्टरफेल्ड ओपन करेंगे टीम की तरफ से स्टीवन डॉडली के साथ टीम की तरफ विकेट कीपिंग कर रहे हैं 3rd नंबर पर, हो सकता है एंथनी मैकेवेन आए नहीं तो 4th नंबर पर क्या हो सकता है यहाँ पे नैथन में क्यों आ सकते हैं, ध्यान रखना नैथन लास्ट मैच में आया था। तो आप अपडेट में आपको टेलीग्राम पे करूँगा। तो दोस्तों ये दो टीम से प्लेयर हैं, बाकी स्पीड स्टेट्स वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो पे सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग में मतलब स्टेट्स वगैरह निकाले बहुत टाइम भी लगता है क्योंकि आपको पता है एक एक स्टेट्स निकालने में मतलब आँखों का भी ज़्यादा दर्द होता है, तो इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जरूर से मैं मतलब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी गिव अवे जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले बात करते अब मैं प्ले में दे चुका हूँ, अब आते सीधे से अपने ड्रीम इलेवन टीम से। तो सिंपल से मैं आपको लॉजिक आपको बता दूँ इस मतलब कि इस टीम में आपको मतलब विकेट कीपर सेक्शन में आपको आंख बंद करके स्मॉलिंग में ट्रस्ट करना है स्टोडली के साथ, ठीक है। आंख बंद करके अच्छा प्लेयर है एंद्र बेलवानी को लेकर, और मेरी वीडियो जिन्होंने देखा हुआ मैंने क्या कहा था ठीक है एंद्र बेलवानी को कैप्टन वाइस कैप्टन जोर से करना, एंड साथ ही साथ मैंने बोला था या फिर लुकी जोरसन को जोर से करके बैटिंग में दो नहीं करेगा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला था जोसे लिटिल का स्टेट सबसे अच्छा है तो इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। और मैंने क्या कहा था कि ऐसे बैरी मैकडोट वो फ्लॉप हो जाएगा तो जैसा क्या था वैसा ही हुआ। तो सबसे पहले मैं विलियम पोर्टरफेल्ड को भी लेना चाहूँगा, केविन ओब्रेन को लो या फिर जी कैंडी को। अब मैं आपको बताता हूँ केविन ओब्रेन का जो फॉर्म है वो लगभग 4 महीने से पहले से बहुत खराब चल रहा है बट जैसा लास्ट मैच मैंने देखा था बैटिंग करते हुए क्लासिकली बैटिंग कर रहे थे। अगर किसी को लाइव मैच अगर देखना है एकदम लाइव कॉमेंटेटरी लाइव नहीं सिर्फ लाइव मैच की बैटिंग कैसे कर रहा है तो वो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। मैं आपको वहाँ लिंक दे देता हूँ ऑफिशियल टेलीग्राम मतलब ऑफिशियल मतलब लिंक जहाँ पे आप लाइव देख सकते हो फ्री में एक महीना पैसा पी के। तो आप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाइएगा। तो अभी के लिए मैं 3rd ऑप्शन केविन ओब्रेन ले रहा हूँ, देखते हैं अगर अच्छा किट रहेगा तो मैं जाऊँगा इन्हीं के साथ। केविन ओब्रेन अच्छे प्लेयर नीचे आपको बता दूँ कोई सही ऑप्शन नहीं है। सिमी सिंह को लेना, जियो डॉक्टर को लेना, एंद्रे मैकेवेन को लेना जो क्लास में जो मतलब अच्छे फॉर्म में थे एंड साथ हीटिंग करने मतलब कि 3rd नंबर पाना चाहिए था बट नहीं आया। एंड 4th ऑप्शन आपके पास है एस गे टिकेट जो कि थोड़ा सा पहले बैटिंग आए 4th बैटिंग करने आए थे, एक अच्छा प्लेयर रहेगा 4th बैटिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर एंद्रे मैकेवेन अगर 3rd नंबर नहीं आएगा तो कन्फर्मली 4th बैटिंग करने आएंगे। अब बात करते सीएस और बॉलिंग से थे तो कैरी यंग इस वजह से ट्रम्प कार्ड पे, अगर इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करते तो आप इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी जाओ एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी जा सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब जब पहले बॉलिंग करें NNW तो आप कैप्टन चला जाना मतलब कि कैरी यंग वाइस कैप्टन चला जाना और ऐसे विलियम पोर्टरफेल्ड ये जोर से करना आप इसे अमाउंट अच्छा खासा बीट कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। और बात करिए फिर मतलब बड़ी मैकडोट को लूँगा 8.5 की बसता है मेरे पास ये मैंने कहा था मैं सवाल ही नहीं होता इसे लेने का, मेरे पास एक ही ऑप्शन है जोसे लिटिल एंड इनके अलावा कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो मेरे दोस्त ये डेमो टीम कुछ इस प्रकार की बनी मेरी डेमो टीम, हालांकि मैं यही रिकमेंड करूँगा कि केविन ओब्रेन को मैक्सिमम टीमों में पिक करो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम से, स्पेशली ग्रैंड लीग की टीम में क्या कर सकते हो करिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन विलियम पोर्टरफेल्ड तो कर ही सकते हो, लेकिन केविन ओब्रेन कैप्टन भी कर सकते हो विलियम पोर्टरफेल्ड वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये अपडेट आप कर सकते हो अपने टेलीग्राम मतलब मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ये बिल्कुल भी मेरी फाइनल टीम नहीं है, मेरी इनिशियल टीम है, इसी टीम के साथ कॉन्टैक्ट जाकर बुक कर रहा हूँ। एंड बात की कैप्टन कैप्टन ऑप्शन से तो मैं आपको आँख बंद करके आपको सिमी सिंह के साथ जाना है एंड वाइस कैप्टन आपके पास जी डॉक्टरेल है एंड साथ ही साथ एंद्रे मैकेवेन है। तो अभी के लिए वाइस कैप्टन थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर से कि किन के साथ जाए,
ठीक है, मैं भी के लिए एंदर मेकेवेट के साथ जो कि टीम की कैप्टनसी कर रहे बॉलिंग भी पा रहे, बट देखो ये आएंगे कितने, अगर ये सिक्स नंबर पर आएंगे मतलब थर्ड नंबर बैटिंग आएंगे तो ही बताएगा एक अच्छा ऑप्शन देगा, अदरवाइज अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी रहेगा। बट जियो ड्रॉक ले मतलब हर बच्चे बॉलिंग पा रहे एंड साथ ही 18th ओवर पा रहा है, हो सकता है 19th ओवर भी पा ले, तो हो सकता है 10th ओवर भी पा ले, बट एक अच्छा प्लेयर मुझे लगता है जियो ड्रॉक ले होना चाहिए वाइस कैप्टन के लिए, एंड हो सकता है मैं फाइनल टीम में जियो ड्रॉक ले एज अ वाइस कैप्टन जाऊँ। तो अपडेट मैं टेनिया पे करूँगा दोस्तों, ये मेरी डेमो टीम है, हालांकि अंदर मेरे वैसे अभी डेमो के लिए अगर थर्ड नंबर बैटिंग नहीं करेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसको टीम में भी पिक करने का, ठीक है। तो ध्यान रखना अपडेट मैं टेलीग्राम पे करूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लेना, आप कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, और हाँ जीरो सब्सक्राइब की नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब मैं इसी टीम में साथ कॉन्टेस्ट बुक कर रहा हूँ एंड यही मेरे मतलब इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये मेरी टीम थी जिससे मैं जा सकता हूँ, आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन जाओ, मेरे अले मतलब है मेरा वाइस कैप्टन होगा फाइनल होगा जियो ड्रॉक ले, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, तो वाइस कैप्टन जियो ड्रॉक रेल है, ठीक है, मेरा वाइस कैप्टन यही रहेगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। बारिश बहुत तेज हो रही है तो दोस्तों ये मेरी टीम थी जिसका मैं जा सकता हूँ, ग्रैंड लीग टीम में कुछ नहीं करना आपको, तो ग्रैंड लीग टीम में करना क्या है सेट करना है, सेम टीम रखना है, कुछ नहीं करना, कैबिनेट में है कैप्टन जाना है, वाइस कैप्टन बिली पॉटर फील्ड जाना है, और ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है कुछ इस प्रकार की सेटअप है, और ये मैं कैबिनेट ओवर के साथ है कैप्टन जाना वाइस कैप्टन बिली पॉटर फील्ड, आप इसका रिवर्स कर सकते हो, जो पहले बैटिंग करे अगर ये पहले कैबिनेट ओवर बैटिंग करे तो ज़्यादा अच्छा उससे कैप्टन सीख ले, अगर पहले अगर मतलब कि मैंने उस केस पर टीम बनाया जैसे केविन ओवर पहले बैटिंग करी क्योंकि चेसिंग में ये अच्छा स्कोर करते हैं एंड केविन ओवर पहले बैटिंग करते समय अच्छा स्कोर करते, तो ओवर दोस्तों ये मेरी टीम है जिसके साथ मैं जा सकता हूँ ग्रैंड लीग खेलने एंड इसी टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग बुक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी ग्रैंड लीग टीम है, बाकी जो फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जोर से जाएंगे, सिर्फ ऑलरेडी 4000 प्लस देखने को मिलेगा, आप सीधे कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाइए, इससे आपको मिलेगा पिन, इस पर क्लिक करें टेलीग्राम ओपन करिए, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे फाइनल टीम और टिप्स दे दूँगा, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन करें, आपका जो भी डाउट है प्लीज कमेंट कर देना, बाकी जो फाइनल टीम होगी मैं टेलीग्राम पे दे दूँ, तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा।